हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में इस रोटर कंपनी एक्चुएटर को ओपन करेंगे और इसका देखेंगे कि अंदर का ये हैंडल कैसे ओपन करते हैं, इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, गियर बॉक्स इसका कैसे काम करता है। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आप वीडियो स्किप ना करिएगा। अगर आपके पास ये एक्चुएटर है, आपको कोई प्रॉब्लम होता है इसके अंदर गियर बॉक्स में या हैंडल में, कभी ये हैंडल काम नहीं करता है या ये हैंडल काम नहीं करता है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, इस चीज़ों को मैं एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये देख रहे हैं कि थोड़ा ये अंदर था, सीवरेज के पास में था, तो ये पूरे गंदगी इसमें लगा हुआ है। तो अब हम लोग इस चीज़ों को ठीक करेंगे। देखिए, हैंडल ओपन करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ता है, ये जो यहाँ पे नट बोल्ट दिया गया है इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद से इसमें से एक वायर जैसा एक पीवीसी का वायर रहता है वो निकालेंगे। मैं स्टेप पे ये स्टेप करके भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ों को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस नट बोल्ट को मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे से। अब इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ के खींचेंगे बाहर और इस हैंडल को रोटेट करेंगे। जैसे मैं अभी आप देखेंगे कि देखिए इस चीज़ों को पकड़ लिए हैं और पकड़ने के बाद इसको खींचेंगे बाहर की तरह, ठीक है, और बाहर की तरह खींचेंगे देखिए, और इस हैंडल को भी निकालेंगे तो ये कैसे आराम से इस चीज़ों को पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ये बहुत है इजी निकालना, इस चीज़ों को कोई ज़्यादा इसमें बल नहीं लगने वाला है। आप इस चीज़ों को आप देखेंगे कि ऐसा ही होता है। ये एक तरह से क्या होता है, इस हैंडल को लॉक करता है और इस आयल को भी बाहर नहीं आने देता, इसको रोटेट फ्री होने देता है, इसका यही काम होता है। तब अंदर के चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या है। देखिए, ये मेरे हाथ में आयल भी लग गया क्योंकि ये आयल इसके अंदर से लगा रहता है। अब निकालने के समय आप एक चीज़ों को ध्यान दें कि इसके अंदर आयल रहता है तो आयल भी ना गिर जाए, तो इसको घुमा घुमा के थोड़ा सा निकालेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ों को आप निकाल लेते हैं, जितने ही सेफ्टी से इस चीज़ों को खोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप जैसे नीचे आप देख रहे होंगे कि ये नहीं खुल रहा है, तभी ये क्या कर सकते हैं कि एक इससे में आप सपोर्ट नीचे से किसी चीज़ से दे सकते हैं, जैसे आपके पास कोई पन्ना हो उससे दे दीजिए या कोई आपके पास सबल हो तो उस चीज़ों से दे दीजिए। उसको क्या करना है, ऐसे दे के सिर्फ ऐसे नीचे से ऐसे प्रेस कर देना ऊपर के साइड में, तो आप देख रहे हैं कि आराम से ये निकल जाएगा। बहुत इजी है निकालना इस चीज़ों को, तो आप घुमा घुमा के इस चीज़ों को निकालिएगा तो ये पूरा निकल जाएगा ऊपर की तरफ में। इसको आप देखिए बिल्कुल अच्छे से ये निकल रहा है ये चीज़ों को। तो ये चीज़ों को आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ ये निकल चुका है, आराम से इजिली निकल जाएगा। इसका इस टाइप का ये ट्रेड रहता है जो यहाँ पे आप अगर देखेंगे इस चीज़ों के, तो साउंड का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो इस चीज़ों को थोड़ा मैनेज करिएगा। इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज दिया जा रहा है तो इतना तो मैनेज करना ही चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद से इसका अंदर को आप देखेंगे तो ये सब गेयर बॉक्स है और इसमें आयल है। आयल अगर कम हो तो आयल भी आप डाल सकते हैं। ये पूरा वर्किंग आप इसके अंदर को अभी देख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है कि ये चेक करना है कि ये हैंडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैंडल ऐसे ओपन कर रहे हैं, नीचे कर रहे थे, ये सिर्फ कुछ भी इसके अंदर हो ही नहीं रहा, यानी कि थोड़ा सा इसको ऊपर उठाएंगे और उठाने के बाद से इस चीज़ों को देखिए, ये हैंडल को भी मैं घुमा रहा हूँ कितना भी, तो यहाँ पे ये नहीं काम कर रहा है। जैसे मैं ये चीज़ें जो है इसको काम करना चाहिए, ये अंदर बाहर करता है। जब मैं इसको ठीक करूँगा तो उस चीज़ों को देखेंगे, या हमारे पिछले वीडियो आप देखे होंगे उसमें मैंने पूरा बारीकी से बताया है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये गियर जब ऊपर आ जाएगा तो मैनुअली काम करने लगता है, पर ये गियर ऊपर नहीं आ रहा। इसका रीज़न ये है कि ये जो यहाँ पर है ये हैंडल के थ्रू कनेक्ट है, और ये हैंडल के थ्रू कनेक्ट होने की वजह से ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, जिसके वजह से ऐसा ये काम नहीं हो रहा है। तब मैं क्या करूँगा कि इस हैंडल को बाहर निकालूंगा। ये एक्चुअली इसके अंदर का जो शाफ्ट होता है इसके, वो पकड़ नहीं बना पा रहा है क्योंकि यहाँ पे लिंकी का सेट एक लगा रहता है, एक इस साइड और एक यहाँ पे लगा रहता है, तो ये दोनों क्या हुआ, मिस हो गया। मिस होने की वजह से ये पूरा स्लिप हो गया तो ये काम नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ों को निकालूंगा, इसको नया थ्रेड बना के इस शाफ्ट को पकड़ने के लिए अच्छे से फिटिंग बनाऊंगा। उसके बाद से इसको हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते हैं मैनुअली, क्योंकि इसको काम करने जब लगेगा तो यहाँ पे भी हमारा ये अंदर काम करने लगा और गियर उठ जाएगा तो मैनुअली भी काम करने लगेगा। यहाँ पे मुझे जो शक था कि ये हैंडल ख़राब है, पर ये हैंडल ख़राब नहीं था, इसके अंदर मैंने देखा तो ये काम अच्छे तरीके से कर रहा था। जैसे मैं आप देखेंगे कि ये अभी ऊपर की तरह काम कर रहा है, जैसे ही मैं ऑपरेट करूँगा इसे पुश बटन के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिक के थ्रू मोटर चला के, तो ये क्या करेगा, नीचे चला जाएगा। जैसे मैं अभी कमांड देता हूँ ओपन या क्लोज का, जैसे देखिए कमांड दे दिया हूँ। अब देखिए ये कैसे नीचे की तरफ गया और कुछ काम किया, जो ये है हैंडल ये काम करता है सब कुछ के, ठीक है। अब मैं अभी स्टॉप करता हूँ
अब स्टॉप करने के बाद से इस हैंडल को घुमाता हूँ, तो देखिए ये जो है ये ऊपर की तरह थोड़ा सा आएगा, ठीक है। आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मैं हैंडल को देखिए ऐसे अभी हैंडल को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और ये देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ऊपर नीचे कर रहा है, मैं अभी जैसे ही ऐसे करूँगा खड़ा हो जाएगा। अब इसको हैंडल के थ्रू ये काम करने लगता है। तो अभी जैसे ही फिर मैं इसको नीचे करूँगा अगर ऑपरेट करा के, तो ये देखिए नीचे की तरफ कैसे चला जा रहा है, यानी कि ये मोटराइज के थ्रू काम करने लगा, ठीक है। अब जैसे इसको ओपन या क्लोज कराने के बाद से इसको जैसे हमें काम कराना होगा मैनुअली के साथ, इस चीज़ को हैंडल को पूरा इधर ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, और ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये गियर बॉक्स ऊपर आ जाता है। अब इस हैंडल को भी फिट करना पड़ेगा। फिट करने के लिए इजी है, वो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस हैंडल को आप ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है, और नीचे रखने के बाद से थोड़ा सा ये हिस्सा अंदर तक जाना चाहिए, ठीक है। ये हिस्से अगर अंदर जाएगा, क्योंकि इसी में जाके ये ट्रेड फंसेगा। अब इसको क्या करेंगे, ये पाइप डालेंगे इसको, और डालने के बाद से थोड़ा सा इसको अंदर के तरफ प्रेस करेंगे और उस हैंडल को घुमाते रहेंगे, ठीक है। देखिए जैसे घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, अगर नहीं जा रहा तो इसको दोबारा ट्राई करें, पर जबरदस्ती ज्यादा नहीं करें। ये जैसे वो घूमते रहेगा हैंडल और इसको अंडर डालते रहे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो ये है इसको लगाने के लिए इस ग्रुप में जाके बैठना चाहिए अच्छे तरीके से। ये ग्रुप में जब तक नहीं बैठेगा तब तक ये फिटिंग नहीं होगा। इस चीज़ों को भी आप ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी क्या है कि आप ऐसे डालते जाएंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, पर ये ग्रुप में फिट नहीं होगा। अगर ग्रुप में ये फिट नहीं होगा तो ये काम ही नहीं करेगा, आपका लीकेज भी हो जाएगा, और ये हैंडल भी अच्छे तरीके से काम तो कर जाएगा पर ये पूरा आयल आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान दें। तो इसको थोड़ा लगाने में टाइम लगेगा, आप इसको इजीली तरीके से ज़रूर लगा सकते हैं। तो बस लगाने का ही तरीका है कि इसको पूरा अच्छे तरीके से नीचे फिट कर दीजिएगा। इसको लगाने के बाद से इसको आप अंदर की तरफ प्रेस करते रहिएगा और इस हैंडल को घुमाते रहिएगा क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में घुमाते रहेंगे तो ये अंदर देखिए ये चला जाएगा, ये पूरा जब अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर रुक जाएगा, तो यहाँ से ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। अब इस चीज़ों को अगर आप देखेंगे कि इसको आप बाहर की तरह निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, जैसे मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितने भी झटका कर रहे हैं तो ये नहीं निकल रहा, क्योंकि ये पकड़ जाके बना लिया है। अब इस चीज़ों में क्या करेंगे, इसका बोल्ट जो है यहाँ पे टाइट कर देंगे तो ये कंप्लीट ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ओपन कैसे किया है और इसका क्लोज भी कैसे किया है।